आइए एक बार मैं फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का। लास्ट ट्वेल्थ का अगला टॉपिक है अवकलन डिफरेंशियल में हम कराने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि के अवकलन का मतलब होता है जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपको उसका अवकलन दो बार करना है। जैसे अगर कोई फंक्शन आपको एफ एक्स बराबर दे रखा है तो पहली बार अवकलन एफ डैश एक्स होगा और दूसरी बार अवकलन एफ डबल डैश एक्स होगा। ऐसे ही जब कोई फलन आपको वाई बराबर दे रखा है तो वाई बराबर पहला अवकलन होता है उसका डी वाई ओवर डी एक्स और दूसरा अवकलन होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये दूसरी बार का अवकलन होता है। तो हम इसी को इसी प्रकार से करेंगे, केवल हमें क्या करना है जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसका दो बार अवकलन कर देना। अगर मैंने इसको एफ एक्स बराबर मान लिया या किसी के बराबर मान सकते हैं आप नीचे कर रहे हो, जैसे पाई बराबर इसको हमने माना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का टू, तो यानी कहीं एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम सबसे पहले, तो एफ के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले वाई का एक बार पहली बार अवकलन करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाता है इक्वल एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा पावर आगे और पावर में से एक हटा दो तो दो पावर के एक रह जाएगी प्लस थ्री का थ्री एक्स का अवकलन क्या होता है वन और प्लस टू cos tan वैल्यू तो cos tan वैल्यू का जीरो तो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस का थ्री। एक बार अवकलन हो गया। अब दोबारा हमें द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तृतीय कोटि का कहता है तो तीन बार अवकलन करते हैं, चतुर्थ कोटि का कहता है चार बार अवकलन करते हैं। अब पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने पर क्या होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दो बार अवकलन हो गया इसका तो अवकलन किया अब टू का टू एक्स का क्या होता है वन और थ्री का क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। तो द्वितीय कोटि का अवकलन करने की क्वेश्चन में जब भी आपको बोलता है कि दिए गए फलनों का द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए तो द्वितीय कोटि का अवकलन करने का मतलब उसका दो बार अवकलन करना। ऐसे इसको मान लेंगे y बराबर x की पावर 20 या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको यहां y का अवकलन dy ओवर dx हो जाएगा 20-20 पावर आगे आ जाएगा तो पावर का अवकलन पावर आगे पावर में से एक कम कर दीजिए हम भी सह जाएगी। अब क्या करेंगे पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करने पर तो पुनः अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ आएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल 20 वैसे का वैसा, वैसे पावर 19 जो है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई और एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसका इससे मल्टीप्लाई कराएगी 0 38 एक्स की पावर 18 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये रखा है आपको एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स तो इसको भी मान लेंगे पाई इक्वल एस कॉस एक्स इसको मान लिया, यहाँ फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे पढ़ा चुके हैं जब दो कोई पद या ऐसी कोई दो चीजें दी गई और जिन दोनों का अवकलन हो सकता है और मल्टीप्लाई में तो वहाँ फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल फर्स्ट जैसे का तैसा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का अवकलन एक्स वाई फंक्शन हो जाएगा तुम्हारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा फर्स्ट जैसे का तैसा कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैसे का वैसा एक्स का क्या होता है वन यहाँ माइनस आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या आएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे पुनः अवकलन करने पर जो दो बार अवकलन करना है पुनः अवकलन करने पर क्या आएगा आपके पास यहाँ आएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला फिर से अप्लाई किया जाएगा तो माइनस बाहर रहने दीजिए यहाँ फर्स्ट जैसे का तैसा सेकंड का अवकलन साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स प्लस सेकंड जैसे का तैसा साइन एक्स फर्स्ट का अवकलन एक्स का क्या होता है वन ऐसे यहाँ इसका करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस का क्या आएगा माइनस का साइन एक्स तो यहाँ माइनस का अंदर गुणा कराएंगे माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का एक्स गुणा कराएंगे माइनस का साइन एक्स यहाँ माइनस से माइनस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस का टू साइन एक्स ये हमारा क्या हो गया आंसर।
ऐसे ही भूत वाले क्वेश्चन में भी आपको दो बार अवकलन करना है, यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड वन के इसका दो बार अवकलन करना है। तो क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.7 में जो आपको दे रखे हैं द्वितीय कोटि के अवकलन करना, वो सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बताओ देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।